हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं, ऐसे थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं सेंट्रल मॉल। और क्यों जा रहे हैं वो भी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा वीडियो के, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ पर अपना कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए, और वो आस पास कहीं मिल नहीं रहा था तो हमें जाना पड़ा सेंट्रल, और वहाँ जाना भी हमारा वेस्ट हो गया क्योंकि वहाँ पर जो मैक का जो आउटलेट था वो बंद था, वो वाला स्टोर वहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाजू में और एक मॉल है, वहाँ पर गए थे बाद में। और एक काम से भी गए थे वहाँ पे, हमने सोचा वहाँ पर एक मैट्रेस लेना है हमें। पहले हम ट्राई कर लें कौन सा कंफर्ट, क्योंकि यहाँ पे ना होम सेंटर भी है सेंट्रल मॉल में। हम लोग होम सेंटर भी जाने वाले थे, वहाँ पर हम लोग ट्राई करने वाले थे। वहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो हम लोग सोचे वो भी ट्राई कर लेंगे। बट जो हमको लेना था मैट्रेस, वो मैट्रेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हमारे दोनों भी काम नहीं हुए, वहाँ पर जाना वेस्ट हो गया। बट फिर भी हम लोग इतना दूर गए थे तो मैंने सोचा चलो मॉल तो घूम ही लेते हैं और थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वहाँ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा देख के। उसके बाद आए थे हम यहाँ होम सेंटर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पर तो आके तो जैसा लगता है कि क्या क्या ले लिया जाए। यहाँ पे इतने सारे सामान होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं देखने में, स्पेशली डेकोर के सामान तो मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा लगता है ये ले लूँ कि ये ले लूँ। बट प्राइस इनके ना काफ़ी हाई रहते हैं, तो जनरली जो ऑनलाइन वगैरह हम मंगाते हैं काफ़ी हमको रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, बट यहाँ जो मैंने देखा है प्राइस टैग्स इनके देख रही थी तो इतने कॉस्टली लगे मुझे। बट वो ये चीज़ भी वैसी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं वॉल हैंगिंग के देख रही थी, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं देखिए। तो इनमें से मुझे एक लेना है वॉल हैंगिंग के लिए, बट वही है अभी नहीं, एक बार घर सेट हो जाए उसके बाद लूँगी। ये तो मेरा डिसाइडेड है, मुझे एक लेना ही है इनमें से। तो ये कितने सुंदर सुंदर थे और काफ़ी सारे ऑप्शन थे इधर। ये डेकोर के आइटम देख के तो मुझे ऐसा होता है ना मन कि क्या क्या ना ले लिया जाए, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। बट वही है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, और जो सामान देखने गए थे उसको छोड़ के ना मैं इधर ही यही सेक्शन में घूम रही थी। आज बोले आ जाओ, जो करना है वो तो कर ले कर ले। हम लोग गए थे वहाँ मैट्रेस देखने, तो वो मैट्रेस की बात करने लगे हस्बैंड आगे जाके, तो मैंने बोला आप देखो मैं इधर आती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी देखिए कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन हैं। आप भी अगर नियर बाय रहते हैं कहीं हैदराबाद में तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और स्पेशली घर के लिए सब सामान यहाँ पे एक ही स्टोर में आपको मिल जाएगा। यहाँ कैंडल्स भी थी काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली।
ग्लास के भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे, वाइन ग्लासेस और जूस ग्लासेस और काफ़ी सारी वैरायटीज थी अलग अलग, और काफ़ी सारे ऑप्शन है, हर चीज़ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, चाहे वो डिनर सेट हो, चाहे बाउल हो, चाहे प्लेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, कप्स हो, सब चीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शन थे। और यहाँ हस्बैंड ना चिमनी का मेजरमेंट दे रहे थे, एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे ना चिमनी, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था बैक पार्ट का, तो यहाँ पर दिख गया, तो हस्बैंड ने उसको आदमी को बुला के पूरा पूछ लिया डिटेल, सो वो यहाँ पता कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये कप कितना सुंदर है देखिए, बट इनके प्राइस भी उतने ही सुंदर है। सो एनीवे लेंगे बाद में एक एक, अभी जल्दबाजी में नहीं लेना है कुछ भी, और ये भी लेना है, ये तो पक्का लेना है मुझे, बट थोड़े टाइम बाद एक बार सेट हो जाए घर अच्छे से तब लेके जाऊंगी। और यहाँ देखिए यहाँ आ गए हम लोग मैट्रेस चेक करने के लिए, सो यहाँ पे भी अलग अलग कंपनीज की मैट्रेस थी, और जो हमें लेनी थी वो यहाँ पे नहीं थी अवेलेबल, हमें लेना था वेक फिट का, सो यहाँ पे उनके पास नहीं था वो, सो हमारा आना वेस्ट हो गया यहाँ पर, ना मुझे मेरा प्रोडक्ट मिला मेकअप का, और ना ही वो जो हम देखने आए थे मैट्रेस वो भी देखने को मिला। हाँ बट एक चीज़ अच्छा हो गया यहाँ पे आने से कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि कौन सा हमें लेना है, बाकी सारे थे यहाँ पे अलग अलग कंपनी के, सो देखे हमने वो। तो मिरर दिख जाए और हम खुद को ना देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, स्पेशली मेरे साथ में तो इतने मिरर आसपास आ रहे थे, सब मैं खुद को देख रही थी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, मेरे बाल तो ठीक है ना, खुद को चेकआउट कर रही थी बार बार। और बस काफ़ी ज़्यादा एक घंटा हम लोग मॉल घूमे, और फिर वाले सेक्शन में भी गए थे जहाँ पे काफ़ी सारी हील्स थी, पहले मैंने सोचा था कि हील्स लूँगी, फिर मैंने सोचा मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी रखी हुई है, फिर से स्टोर कर लो, एक दिन पहनना शादी में, फिर रखी रहती है इतनी सारी, देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं इधर, पूरा एक फ्लोर ये फुटवेयर का ही है, पूरा की पूरा पूरा एक फ्लोर फुटवेयर का बना हुआ है यहाँ पे। एक बार मैं लेके जा चुकी हूँ यहाँ से, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, वो दिखाऊंगी मैं कभी आपको, एक बार मैंने लिया था यहाँ से सैंडल, सो वो है ना थोड़े टाइम बाद मेरा टूट गया, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इसके साथ, और मेरे को लेना नहीं था वैसे, बट वही है मैं सब एक्सप्लोर कर रही थी तो मैं यहाँ भी आ गई ऐसे राउंड मारने के लिए। सो वहाँ तो मुझे मेरा कॉस्मेटिक मिला नहीं, सो वी वेंट टू अनदर मॉल, सो ये नियर बाई ही था, एकदम पास में था, इसका मॉल का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, हाँ बट ये पास में था, यहाँ पे भी आउटलेट था मैक का, सो यहाँ से मैंने लिया अपने लिए फाउंडेशन, सो फाउंडेशन है ना मैं मैक का ही यूज़ करती हूँ, यही मुझे सूट करता है, इससे पहले मैंने काफ़ी फाउंडेशन यूज़ कर चुकी हूँ बट मेरी स्किन पे ना एकदम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एकदम काला जैसा मेकअप हो जाता है, सो मैं यही प्रेफर करती हूँ, सो फाउंडेशन का यहाँ मैंने लिया फाउंडेशन लिया मैक का, और उसके बाद यहीं कैफे कल्चर था, सीसीडी था पास में ही इसी मॉल में, सो वहाँ हम गए, थोड़ी देर हम वहाँ बैठे और अपना थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। सो आई होप आज का वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था घूम के, सो इस वीडियो को फ्रेंड्स मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
ये रिटर्निंग का है, रिटर्न हम लोग आए थे मेट्रो से। सो ये मेट्रो स्टेशन का व्यू है, और यहाँ से है ना वो सेंट्रल मॉल दिख रहा है, देखिए पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, और इसमें जूम करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं दिख रहा है देखिए। सो हस्बैंड बोल रहे थे बैक कैमरा से दिखाओ, सो यहाँ पर देखिए यहाँ से दिख रहा है वो। सो यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं स्टेशन से।